अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान हाफिज़ अब्दुल मनाफ अशरफी फिर से एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के खिदमत में हाज़िर है और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हज़रात खैर आफियत के साथ होंगे। नाज़रीन, जैसे कि इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि आज हम आलमपुर की सरज़मीन पर मौजूद है और हज़रत शाह अली पहलवान रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह शरीफ की ज़ियारत कर रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो हज़रत शाह अली पहलवान रहमतुल्लाह अलैह के धड़ मुबारक की मज़ार शरीफ की ज़ियारत कराए थे और इस वीडियो में हज़रत शाह अली पहलवान रहमतुल्लाह अलैह के सर मुबारक की मज़ार शरीफ की ज़ियारत करेंगे। तो आप हज़रत हमारे साथ वीडियो में स्टार्ट टू एंड तक बने रहिए, इंशाल्लाह हज़रत की हिस्ट्री भी बताता रहूँगा। आप हज़रत को हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप हज़रत को वीडियो कैसे लगी। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल रदा स्टूडियो आधुनी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई अपडेट आप तक बआसानी पहुंच जाए। चलिए बारगाह शरीफ की ज़ियारत करते हैं। मौजूद नाज़रीन, अभी आप हज़रात जिस अज़ीमुश्शान बाकरामत बाफैज़ वली कामिल की बारगाह शरीफ की ज़ियारत कर रहे हैं। ए बारगाह शरीफ रियासत तेलंगाना के आलमपुर शरीफ नामी एक गांव में बड़ी ही शान व शौकत के साथ मौजूद है और ये बारगाह शरीफ हजरत शाह अली पहलवान शहीद रहमतुल्लाह अली की बारगाह शरीफ है। मौजूद नाजरीन, इस बारगाह शरीफ में हजरत शाह अली पहलवान शहीद रहमतुल्लाह अली के सर मुबारक की मज़ार शरीफ मौजूद है। मौजूद नाजरीन, आलमपुर की ये पार्ट टू वीडियो है। पार्ट वन वीडियो में हमने हजरत शाह अली पहलवान रहमतुल्लाह अली के धड़ मुबारक की दरगाह शरीफ की ज़ियारत कराए थे और उस वीडियो में हजरत शाह अली पहलवान रहमतुल्लाह अली की हिस्ट्री भी बताया था। अगर आप हजरात ने अभी तक पार्ट वन वीडियो को देखा नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पार्ट वन वीडियो की लिंक मौजूद है। आप हजरात पहले पार्ट वन वीडियो को देखें और उसके बाद इस वीडियो को देखें ताकि हजरत शाह अली पहलवान रहमतुल्लाह अली की ज़िंदा करामतों को पहले सुन सके। मौजूद नाजरीन, इस वीडियो में हम हजरत शाह अली पहलवान रहमतुल्लाह अली के सर मुबारक की मज़ार शरीफ की ज़ियारत करेंगे जो कि हजरत शाह अली पहलवान रहमतुल्लाह अली के धड़ मुबारक की बारगाह शरीफ से तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर आलमपुर की सरजमीन पर ही मौजूद है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जब राजा के सिपाहियों ने आपको नमाज की हालत में शहीद किए तो आप रहमतुल्लाह अली का सर मुबारक आपके जिस्म मुबारक से अलग हो गया था और आप रहमतुल्लाह अली का जलाल तो देखिए कि आप रहमतुल्लाह अली बिना सर के काफिरों को मारने के लिए घोड़े पर सवार होकर राजा के महल तक पहुंच गए। जब महल में दाखिल होने का दरवाज़ा बंद था तो आप रहमतुल्लाह अली ने उस पत्थर के दरवाज़े पर अपनी कोनियों से मार मार कर उस दरवाज़े को तोड़ दिए और उन पत्थरों पर आपकी कोनियों के निशानात पड़ गए जो आज भी हजरत शाह अली पहलवान रहमतुल्लाह अली के धड़ मुबारक की दरगाह शरीफ के पास वो पत्थर हमें देखने को मिलते हैं। ये ज़िंदा करामत नहीं है तो और क्या है, यकीन ना आए तो ख़ुद आकर आलमपुर में देख सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जब हजरत शाह अली पहलवान रहमतुल्लाह अली उस दरवाज़े को तोड़कर अंदर दाखिल होते हैं तो वो राजा आप रहमतुल्लाह अली को बिना सर के देखते ही आपके कदमों में गिर गया और आप रहमतुल्लाह अली से माफ़ी मांगने लगा। उसी वक्त हजरत शाह अली पहलवान रहमतुल्लाह अली की रूह कब्ज़ हो गई। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उसी जगह पर आप रहमतुल्लाह अली के जिस्म यानी आप रहमतुल्लाह अली के धड़ मुबारक को दफनाया गया और जिस जगह पर आप रहमतुल्लाह अली को शहीद किया गया था उसी जगह पर आप रहमतुल्लाह अली के सर मुबारक को दफनाया गया है और इसीलिए इस बारगाह शरीफ को सर मुबारक और धड़ मुबारक की दरगाह शरीफ के नाम से भी याद किया जाता है। और जिस घोड़े पर हजरत शाह अली पहलवान रहमतुल्लाह अली सर मुबारक शहीद होने के बाद बिना सर मुबारक के काफिरों को मारने के लिए गए थे उस घोड़े की मज़ार भी यहीं पर मौजूद है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जब यहाँ चारों तरफ कुफ्र ही कुफ्र था तो
उस वक्त हजरत शाह अली पहलवान रहमतुल्लाह अलैह यहाँ आकर दीन इस्लाम को चारों तरफ फैला दिए। सुबहानअल्लाह। मोअज्ज़ज़ नाज़रीन, क़ुरबान जाइए अपने बुज़ुर्गान दीन की क़ुरबानियों पर, जिनकी बदौलत आज दीन इस्लाम की शमा चारों तरफ फैली हुई है। मोअज्ज़ज़ नाज़रीन, आप हजरात भी ज़रूर वक्त निकाल कर हजरत शाह अली पहलवान रहमतुल्लाह अली की बारगाह शरीफ की ज़ियारत के लिए तशरीफ़ लाए और हजरत शाह अली पहलवान रहमतुल्लाह अली की ज़िंदा करामतें जो आज भी अलमपुर की सरज़मीन पर हमें देखने को मिलती है, उन करामतों को अपनी आँखों से देखें। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हजरत शाह अली पहलवान रहमतुल्लाह अली की बारगाह शरीफ का उर्स हर साल ज़िलक़ायदा की 21, 22, 23 तारीखों को बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर आप हजरात ने अभी तक पार्ट वन वीडियो को देखा नहीं है तो पार्ट वन वीडियो को भी ज़रूर देखें, इंशाल्लाह आप हजरात का ईमान ताज़ा हो जाएगा। आप हजरात को हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप हजरात को वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल रज़ा स्टूडियो आदोनी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई अपडेट आप तक बआसानी पहुँच जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हम तमामों को अपने नेक बंदों का सदका नसीब बता फरमाएँ, हम सब की जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमाएँ। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। محمد صلى عليه وسلم پھر کہ گلی گلی تباہ پھر کہ گلی گلی تباہ ہو کر سب کی کھائے खाए क्यों दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली सजाए क्यों तेरी गली सजाए क्यों रुखसत काफिला कशोर गश से हमें उठाए क्यों रुखसत काफिला कशोर गश से हमें उठाए क्यों सोते हैं उनके साए में सोते हैं उन साए में कोई हमें जगाए क्यों कोई हमें जगाए क्यों यादे हुजूर की कसम गफलत ऐश है सितम यादे हुजूर की कसम गफलत ऐश है सितम खूब है कैद गम में हम खूब है कैद गम में हम कोई हमें छुड़ाए क्यों कोई हमें छुड़ाए।
جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزو کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزو کرے خدا، جس کو درد کا مزہ، جس کو ہو درد کا مزہ، نازِ دبا اٹھائے کیوں، نازِ دبا اٹھائے کیوں، او سنگِ ددِ حضور سے ہم کو خدا صبر دے، سنگے درے حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے، جانا ہے سر کو جا چکے، جانا ہے سر کو جا چکے، دل کو قرار آئے کیوں، جانا ہے سر